गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हाउ आर यू ऑल। तो लास्ट 3 दिन से मैंने कोई व्लॉग नहीं किया, कोई व्लॉग नहीं डाला। सो आई वाज ऑन माय क्रैम्स, माय डेज वेर ऑन एंड आई वाज लिटरली टेकिंग रेस्ट एंड आई वाज यू नो कम्प्लीटली मूड स्विंग था। एंड आई इवन दो आई ट्राइड मेनी टाइम्स बट आई कुडंट व्लॉग एनीथिंग एंड आई वाज कम्प्लीटली अनरेस्ट। तो काफ़ी कुछ मैंने किया नहीं है लास्ट 3 डेज। सो या so as say again I have to reset the day. As say I will continue the vlog again and what I'll do, I'll just I need to reset my day. So I will be vlogging the same thing how I reset the day, क्योंकि resetting के लिए मुझे बहुत time लग जाता है again when I take a break. So yeah, that's normal I guess, but yeah, I'll try to reset the day and that will be the task. And yeah, it's morning 9:15 and I'll just have my tea and start my day. So yeah, so let's begin. Yeah, so I'm with my tea now and sipping the tea. I have to spend a good time in planning my days. There is lot to be planning. Aaj ka hi nahi hai, so for the coming days also mujhe bahut kuch taiyari karni hai and I'll be working on that today. And yeah, let's see how. तो आज का एक प्लानिंग होगा लाइक वेयर आई विल ट्राई टू रिसेट माय डे एंड प्लस देयर आर फ्यू टास्क टू बी प्लान्ड एंड अरेंज्ड। सो दोस थिंग्स आल्सो आई विल बी वर्किंग ऑन। एंड या सो फर्स्ट चाय पी लेती हूँ। अभी 1 बज गया है, इट्स ऑलरेडी नून एंड आई वॉज स्टिल वॉकिंग। तो मैंने शावर वगैरह कुछ नहीं लिया आज। सो फटाफट आई हैव लाइक सम होम टास्क टू डू क्योंकि काफी फैला हुआ है, तो वो सारा कंप्लीट करके आई विल टेक शावर एंड देन प्रोबेबली अगेन आई विल सिट फॉर वर्क बिकॉज काम थोड़ा और बाकी है। एंड देन इन बिटवीन आई विल मीट यू ऑल गाइस एंड आई विल टेल यू व्हाट ऑल आई एम डूइंग। ओके हे गाइस, मैं अभी पूरा भीगी हुई हूँ, एवरीथिंग इज वेट एंड अभी 3:30 ऑलरेडी। मैंने बीच में लंच कर लिया था एंड हाँ अभी भी मैंने शावर नहीं लिया। आई हैव फ्यू मोर क्लोज टू वॉश, तो मैंने सर्फ एक्सल में डाल के रखा है 15-20 मिनट के लिए एंड आई विल रेस्ट फॉर सम टाइम, वॉश द क्लोज देन टेक शावर। ओके आई एम स्क्वीकी क्लीन। स्क्वीकी क्लीन रूम भी थोड़ा बहुत ठीक हो गया है, कपड़े ज़्यादा वॉश हुआ है एंड या तो अभी 4:40 तो अभी चाय पीने का टाइम है एंड आई एम लाइक रियली फीलिंग टू हैव सम लाइम टी। तो मैं अभी नीचे फटाफट जाती हूँ, आई गेट सम लेमन एंड ऑल्सो हम मेरे नाइबर्स ने मुझे कुछ स्नैक्स दिए थे, ऑलमोस्ट 10 डेज हो गए एंड आई हैव टू रिटर्न द यूटेंसिल्स एंड ऑल, तो उनके लिए भी मैं थोड़ा स्नैक्स बनाने का टाइम तो मीन्स मूड नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, आई विल गेट समथिंग फॉर द किड्स एंड हाँ तो वो रिटर्न करना है तो आई विल गेट दैट, कुछ स्नैक्स का कुछ देख लेती हूँ, आई विल गेट समथिंग एंड हाँ लाइम भी लाती हूँ। सो आई विल जस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड कम बैक, मेक माई लाइम टी एंड देन टॉक टू यू। ओके फाइनली, सो ओके फाइनली बाहर से आ गई, हियर इज माई लाइम टी। दिन भर काम करने के बाद, स्पेशली घर का काम करने के बाद यू नीड अ गुड टी है ना। तो या सो आई विल जस्ट हैव टी नाउ एंड इट्स अबाउट टू 6 नाउ, 10 मिनट्स टू 6 एंड हाँ अभी थोड़ी और मुझे काम करनी है बट आई विल जस्ट रिलैक्स फॉर सम टाइम, आई विल जस्ट वॉच सम व्लॉग्स और समथिंग, हैविंग माई टी एंड देन आई स्टार्ट अगेन माई वर्क। तो थोड़ा सा प्लानिंग वगैरह करना है एंड ऑल, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो ये रिसेटिंग के लिए यू नो यू हैव टू, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसेस हैज टू अगेन रिवाइंड। ये मेरा हमेशा हर महीना का ऐसा रहता है लाइक हर महीना और लाइक व्हेन आई गो फॉर सम वेकेशन और समथिंग ट्रिप, कुछ ट्रैवल कर लिया कहीं गए तो अगेन आफ्टर कमिंग बैक अगेन कम टू योर ओन रूटीन इट टेक्स टाइम
एंड या तो आई थिंक हो जाएगा जल्दी. तो आज का दिन इट वॉज क्वाइट प्रोडक्टिव टिल नाउ. एंड हाँ अभी थोड़ा रात को और थोड़ा कर लूँगी तो या इट विल बी डन. सो यस एंड आई थिंक ये सबके साथ होता है व्हेन यू गो आउट ऑफ योर रूटीन टू कम बैक टू योर रूटीन इट टेक्स सम टाइम्स. तो आई थिंक इट्स नॉर्मल एंड या सो That's the fun of the process ki sara process change ho jaye and again to reset the entire thing. So you have to focus your mind, you have to clear out your things and stuffs and all and again settle down on your track. Yeah, it's fun. काफी थकी लग रही हूँ ना. Yeah, little bit. मैंने lunch थोड़ा सा ही किया था तो I'm planning थोड़ा early dinner also. तो डिनर में देखते हैं क्या बनाएंगे बट फिलहाल चाय. कर लिया. इट्स 8 o'clock. मैं अभी टाइम देख रही हूँ. ओके तो आई एम डन फॉर टुडे. वी आई विल स्टॉप वर्किंग. आई विल कंटिन्यू द थिंग्स टुमॉरो एंड नाउ आई विल प्रिपेयर सम नाइस डिनर. तो आई एम सॉरी. तो या सो डिनर की तैयारी करती हूँ अभी एंड आई विल शो यू व्हाट आई प्रिपेयर. जस्ट लेट मी सी. मुझे भी नहीं पता चावल खाऊं कि रोटी खाऊं समझ नहीं आ रहा है. ओके गिव मी टाइम लेट मी थिंक. मैं इतनी कंफ्यूज थी कि मैं रोटी बनाऊं कि राइस बनाऊं क्या खाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा था. तो फाइनली आई एम मेकिंग दिस आटा डोसा. जो डोसा बना रही हूँ जो आटा से बनता है उसमें सारे मसाला वगैरह डाल दिया एंड आई हैव ऑल्सो एडेड एग. तो सिंपल सा बनेगा. बस इसमें मैंने आटा मिलाया एंड थोड़ा मैंने चने का पाउडर भी डाला है जो हम लोग ये बोलते हैं ना सत्तू का पाउडर डाला है. ऑनियंस ग्रीन चिलीज थोड़ा मसाला एंड वन एग. तो इसको मैं अभी अच्छे से आई जस्ट मिक्स इट एंड आई एड सम वाटर ताकि अच्छा सा बैटर बन जाए डोसा जैसा एंड देन आई मेक इट वेरी सिंपल. बस या यही मिक्स करके ऐसा घोल बनाना है एंड गोल बना के. अरे ये भी घूम रहा है. हाँ तो ये ऐसा गोल बना के यू हैव टू जस्ट डोसा जैसा पैन में फ्राई करना है थोड़ा सा ऑयल डाल के. ये बैटर का कंसिस्टेंसी हैज़ टू बी लाइक लिटिल प्रॉपर नहीं तो वो चिपक जाता है. तो मेरा हमेशा सही से नहीं होता है बट लेट्स सी टुडे कैसा है. वो चिपक जाता है तो देन लेकिन लाइक यू हैव टू ऐड सम दिस वॉट यू से आटा और समथिंग आटा वाटर वो डिपेंड्स आपका कंसिस्टेंसी कहाँ से खराब हुआ है. तो यू हैव टेकन लाइक रीएडजस्ट इट तो वो पंगा हो जाता है बट आई थिंक आज का सही बना है. लेट्स सी एक डाल के देखती हूँ. तो मैंने एक डाल के मैंने अभी जस्ट फ्लिप किया है एंड इट इज़ प्रॉपर द बैटर इज प्रॉपर आप देख सकते हो. तो इसको वेरी लाइक लो स्टीम में आपको इसको पकाना है. यू हैव टू कुक इट वेरी लो स्टीम में सो दैट लाइक योर आटा गेट्स कुक्ड एंड या सो आई विल वेट लेट इट कुक. तो ये मेरा फर्स्ट आटा डोसा बन गया है एग वाला आटा डोसा. सो आई विल जस्ट डिग इन टू दिस. गरम है बट इज टेस्टी. मैंने दूसरा तवा पे डाला हुआ है बट इट विल टेक टाइम. मीनवाइल आई हैव स्टार्टेड ऑलरेडी बिकॉज मुझे बहुत जोर से भूख लगी है. कहते कहते वो बन जाएगा एंड या सो आई विल एंजॉय माई डिनर नाउ. यू टू एंजॉय योर डिनर ठीक है ना. एंड आई विल सी यू ऑल टुमारो पक्का से विथ समथिंग टू डू सम कुछ अच्छा कुछ करेंगे कल. टेक केयर टिल देन. हैव योर डिनर स्लीप वेल टुमारो वेक अप वेल मेक ए फ्रेश स्टार्ट एंड मेरा रिसेट का जर्नी चालू रहेगा एंड या सो गुड नाइट टेक केयर बाय बाय. हाँ हाँ.